इन्हीं बातों से प्रेरित होकर आपके बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। मैं वो आपको उद्बोधन करना चाहते हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आवे और संक्षेप में अपनी बातें यहाँ कहें। भानु प्रताप सिंह जी, यहाँ पे आज इस ऑल इंडिया आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की जो कन्वीनर हैं, सह कन्वीनर हैं, जो राष्ट्रीय टीम है, प्रदेश की जो टीम है, और सामने मेरी जो बहनें बैठी हैं, वो जिस भी जिले से आई हैं, प्रदेश से आई हैं, जो जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। बहनों, आपके आंदोलन के विषय में कल मुझे हमारे दिल्ली के बहुत मजबूत साथी हैं श्री डीसी कपिल साहब, जो यहाँ पे डेसू डिपार्टमेंट, बिजली का डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस डिपार्टमेंट के यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी रहे और आज भी सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, उनके माध्यम से पता लगी। लेकिन आज इसलिए नहीं सका कि कल मैं शुक्रताल में एक प्रोग्राम था, वहां पर उपस्थित था, इसलिए आ नहीं सका। लेकिन गीता बहन जी से मेरी बात हुई और आज मैं आपके बीच में हूं। मैं आभारी हूं आपका, गीता बहन जी का और सभी बहनों का, आपने मुझे यहां पे बोलने का मौका दिया। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बहनें हैं बहुत गंभीरता से उस बात को सुनेंगी, विचार करेंगी, और अगर सही लगती है तो हम सब कंधे से कंधा मिलाकर जब तक जीत नहीं जाएंगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहनों, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं पेशे से वकील हूं, दिल्ली में मैं फौजदारी की वकालत करता हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। एक राजनीतिक पार्टी जो 2013 में बनाई थी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी 2 महीने 21 अक्टूबर से लेकर 21 दिसंबर तक लगातार उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों का आंदोलन चला। मैं पिछले 1 साल से आपके संपर्क में हूं, मुझे मेरठ में मेरी बहनें हैं कुछ, उन्होंने बुलाया, पहली बार तब बात हुई। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और वो बात वही दब गई, आंदोलन खत्म हो गया। उसके बाद अक्टूबर में जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे बुलाया, तब से मैं लगातार आपके आंदोलन में साथ हूं। जहां तक मैं जानता हूं आपके विषय में, आपके कार्यक्रम के विषय में, जितना बड़ा काम आप करती हैं, जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जिस तरह से आप अपना काम करती हैं, निभाती हैं, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, इस देश में अगर कोई सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम है तो वो आपका काम है। ये अलग बात है कि बेरहम और बेशरम सरकार आपके काम को महत्व नहीं देती, समझती नहीं है। बच्चे के गर्भ में होने से लेकर 6 बरस तक जिम्मेदारी आपकी है। अगर मैं एक बात कहूं, जो मां काम करती है लगभग उसी तरह का काम आप बच्चे की देखभाल करती है 6 साल तक, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 3 साल तक, 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को स्कूल जाने से पहले शिक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन जिसे बोल रहे हैं हम। इसके अलावा सारा टीकाकरण, उनकी सारी सेहत का देखना, यहां तक कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी अपनी सेहत के विषय में, और जिस जिस तरह से उम्र बढ़ती है, जो किशोरी बच्चियां हैं उनको भी बहुत सी जानकारियां देना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। साथ में सरकार ने और कितने ही पंगे आपके कंधों पर डाल रखे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में वोट बनवानी हो, जो आजकल बीएलओ का काम है, और न जाने कितने काम है जो सरकार आपसे करवाती है। लेकिन इस बेरहम सरकार को यह समझ में नहीं आता कि मात्र 3,000 या 1,500 या 2,000 या कहीं पे 4,000, और दिल्ली में भी लड़ने के बाद 10,000 रुपए हुए हैं, केजरीवाल सरकार से जो बहने लड़ी है दिल्ली की, 10,000 रुपए, इन 2-3-4 हजार में होता क्या है आज की महंगाई में? जब टमाटर 70 रुपए 80 किलो रुपए बिक जाए, प्याज 50 रुपए किलो से नीचे ना हो, होता क्या है? अभी यहां बहन जी कह रही कि मोदी जी देखें, ये देखें, 7,000 में, 2,000 में, 3,000 में क्या होता है? आपने बहन जी देखा नहीं शायद, आजकल
सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बड़ा एक मैसेज चल रहा है, मैं नहीं जानता कितना सच है या गलत है, लेकिन कोई सच्चाई तो होगी कि मोदी जी जो मशरूम खाते हैं, मशरूम जो मोदी जी खाते हैं वो भी लाखों रुपए में आती है और हर दिन खाते हैं वो, तो मशरूम खा के प्रधानमंत्री मौज ले रहे हैं। और यह 3000 में 4000 में हमारी बहनें रोड पर हैं, 3000 में क्या आता है? और ये वो सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपना नारा उनका, हमारा दिया हुआ नारा नहीं है, उनका अपना नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस सब के बावजूद भी इस बेरहम और बेशरम सरकार को यह समझ में नहीं आती कि 3000 रुपए में क्या तो बेटी बचाओगे, क्या पैदा करोगे और क्या उसे पढ़ाओगे, कुछ नहीं होता। और मैंने पूरा इसका आकलन किया हुआ है, हम यूपी में जब लड़ रहे थे तो यूपी में 4 लाख आंगनवाड़ी बहनें हैं पूरे प्रदेश में 75 जिलों में। हमने एक कैलकुलेशन की कि अगर हम 15000 चाहते हैं, 15000 अगर सरकार दे, वहां पे 4000 आंगनवाड़ी बहनों को मिलता है, 2500 मिनी आंगनवाड़ी बहनों को मिलता है और 1500 रुपया सहायिकाओं को मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो हमने कैलकुलेट किया कि अगर 15000 रुपए दिया जाए तो सरकार पे कितना वजन पड़ेगा। हमने कैलकुलेट किया तो पाया कि सरकार, अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, राज्य सरकार ये अपने बजट से 11000 रुपए और बढ़ा दे तो 4000 और 11000 15000 हो गए और 4 लाख बहने हैं हमारी, तो उत्तर प्रदेश सरकार पे मात्र एक महीने में 440 करोड़ रुपए का भार पड़ता है और एक साल में मात्र 500 करोड़ रुपए का, 5200 करोड़ रुपए का भार पड़ता है। केवल इतना, जिस एक राज्य सरकार का 3 लाख करोड़ रुपए का साल का बजट हो, क्या वो अपनी बहनों को, जिसका वादा भी वो करते हैं अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में सारे वादे उन्होंने किए, वो सब उन्होंने ही तो लिखे हैं, उस घोषणा पत्र के अनुसार, उन वादों के अनुसार अगर 5200 करोड़ रुपए केवल एक प्रदेश की बात है, और आप तो केवल जो मुझे बता रहे हैं 91000, मुझे नहीं पता यहाँ की बिहार की संख्या कितनी है, लेकिन बिहार में अगर 90000 91000 ये भी मान लें कि 1 लाख, केवल 1 लाख अगर बहनों की संख्या है तो सरकार को कितना वजन पड़ता है, कितना वजन पड़ता है? मात्र 110 करोड़ रुपए महीने के, और बिहार का बजट लगभग 2 लाख करोड़ का तो है ही साल का, तो 110 लाख करोड़ रुपए आप इसे 12 से भाग कर दीजिए, 12 एक हो गया लगभग 1300 करोड़ रुपया, मात्र 1300 करोड़ रुपया आपको पड़ेगा, या 1400 करोड़ रुपए मान लीजिए, जो अगर आपकी जो तनख्वाह है वो 15000 रुपए कर देती है महीने का। लेकिन क्या सरकारें ये भी नहीं दे सकती? देंगी नहीं ये सरकारें, क्योंकि ये झूठ बोलने वाली सरकारें हैं, ये गुमराह करने वाली सरकारें हैं, ये आपको कुछ भी देंगी नहीं। पर मेरा आप सभी एक कहना है बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में जब इस आंदोलन में घुसा तो तब मुझे पता लगा कि हमारी अपनी क्या कमजोरी है। आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, आप सारे करके देखे, जब हाथ इस तरह से उठाएंगे तो इसी हाथ की 3 उंगलियां आपकी तरफ, अपनी तरफ घुस उठेंगी, ये इस बात का संकेत है कि हम दूसरे में कमी निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या कमी है। हम दूसरे को कह रहे हैं ये गलत कर रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, निश्चित रूप से उसमें कमियां हैं, लेकिन हम अपनी भी कमियां देखें। ये आपका है अखिल भारतीय ऑल इंडिया आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, क्या अखिल भारतीय आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ महासंघ, उसकी संख्या इतनी होनी चाहिए जितनी हम बैठी हैं? ये तो मैं समझता हूं एक ब्लॉक से बातें हो जाएंगी इतनी तो। मैंने ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल तक, मंडल लेवल तक मीटिंग की है, सहारनपुर में मीटिंग की, मैं अभी एक साथी को वीडियो दिखा रहा था, 5000 की संख्या उसमें, और यहां कितने हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि हमारे अपने अंदर फूट है। उत्तर प्रदेश में ही 12 घटक है इसके, 12 है। तो एक काम हमें यह भी करना पड़ेगा कि जो हमारी अपने अंदर की फूट है हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि सबकी मांग तो एक ही है ना, सभी ये चाहते हैं कितने भी घटक बन जाए, लेकिन मांग तो सबकी एक ही कि हमारा वेतन बढ़े, इससे अलग तो किसी की मांग नहीं है ना, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब हमारी मांगे एक हैं तो फिर अलग अलग ये चौधराहट का एक बना के बैठे हैं हम, और अगर अलग अलग चौधरी बन भी रही हो तो यार एक मांग जो उस पर तो इकट्ठे हो जाओ, सारे मिलके योजना बना के तरीके से इकट्ठे होके इस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।
ध्यान रखना, प्रजातंत्र में संख्या बल की बहुत अहमियत होती है। अगर संख्या बल आपका मजबूत होगा, कोई भी सरकार आपके सामने टिकेगी नहीं। लेकिन अगर हम इसी तरह से छोटे छोटे ग्रुप में बैठते रहेंगे, कोई सरकार आपकी मानेगी नहीं, और ये तो मानेगी नहीं। मोदी जी तो सुबह उठते हैं, पता नहीं प्रार्थना क्या करते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने की प्रार्थना करते हैं, यही काम रह गया, और मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं दिन भर उसका। कोई और दूसरा काम उस आदमी के पास रह नहीं गया है। इन हालात में ऐसी सरकारों से लड़ने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा साथियों, इकट्ठा इसलिए होना पड़ेगा कि इस सरकार को बदलना है। 42 साल हो गए आपके संगठन को चलते हुए, 42 साल। 1975 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनिसेफ के माध्यम से ये सारी की सारी आपकी जो योजना बनी गई थी कि जो भी कुपोषण है उसको खत्म किया जाए, और कुपोषण को खत्म करने के लिए जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने यहाँ पर आंगनबाड़ी संघ बनाया, आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था है वो शुरू की, और 1975 से लेकर 42 साल हो गए। लेकिन 42 साल में हमें पैसे कितने मिले? 3000 या 4000। कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा जुल्म हम सब पर हो रहा है। लेकिन बहनों, मेरा आपसे कहना है, ये धरने करो बंद। मेरी बात सुन लेना अच्छी तरह से, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। ये धरने करो बंद, सड़क पर उतरो, सड़क पर बैठना नहीं है, सड़क पर चलना है, सबको इकट्ठे लेकर चलना है। मुझे विश्वास है जिस दिन भी इस देश की ये बहने लाखों की संख्या में सड़क पर उतरेंगी, चलेंगी, सरकार कोई सी भी हो वो आपके सामने घुटने टेक देगी। अभी आपने किसी ने ये काम किया नहीं है। आप कितने ही धरने देते रहे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20-50-100 मर भी जाए तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने आप में, मैं आप सभी समझ गए होंगे कि कैसी सरकार है जिससे आप लड़ रहे। तो हमें अपनी कमियां जो हैं, हमारी अपनी कमजोरियां जो हैं, उन सबको एक साइड में करके, दूर करके हमें इकट्ठा होना है, और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है। जब यहाँ आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है तो उत्तर प्रदेश से बाकी लोग क्यों नहीं आए? ऑल इंडिया का है ना, तो फिर हरियाणा से क्यों नहीं आए? फिर यहाँ दिल्ली में ही लड़े वो क्यों नहीं आए? फिर मध्य प्रदेश से क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आपके लिए पंजाब से आए? ये सारे के सारे, इसका मतलब कहीं हमारे जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से है ये सब। हम लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे, हम रणनीति नहीं बना पा रहे, हम सही ढांचा अपना खड़ा नहीं कर पा रहे, या हम अपने आप अपनी चौदाहट दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें खत्म करके एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा और फिर लड़ना पड़ेगा। देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझ पर आरोप लग सकते हैं, तो नेताजी नेतागिरी करने दे आगे, यहाँ पे ये तो नेतागिरी दिखाना है भैया, और कुछ नहीं है, है ना, पार्टी बना रखी इसने, इसे वोट चाहिए। तो मैं आपके लिए एक सिर्फ बात यह कहना चाहूंगा, यह सच है कि मैं राजनीतिक पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं जीवन में कभी भी आपसे अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा, कभी भी। लेकिन आपकी लड़ाई में कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूंगा, आपके साथ जो भी आंदोलन होगा उसमें मैं शामिल होऊंगा अगर आप मुझे इसकी सूचना देंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से आपके इस आंदोलन को अपनी लड़ाई मानकर लड़ेगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज मांगे हैं, बिल्कुल सही मांगे हैं। आप कुछ भी अन्याय नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे जो गैर कानूनी हो या अन्याय पर आधारित हो। तो जो चीज आप मांग रहे हैं वो सारी की सारी बिल्कुल जायज मांगे हैं, और इस देश में रहने वाले व्यक्ति को, दुखी शोषित पीड़ित व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। एक बात और मैं कहूंगा बहनों, इनमें से हमारी बहुत सी बहनें ऐसे होंगी जो बहुत सक्रिय रूप से काम कर सकती हैं, उन बहनों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, उनसे काम कराया जाना चाहिए कि संगठन को मजबूत बनाए और पूरी रणनीति बना के आगे जो भी प्रोग्राम हो वो ऐसा होना चाहिए जिसका असर सरकार पर पड़े। उत्तर प्रदेश में जितना हम जानते हैं हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, दिल्ली में भी जिनसे हमारा संपर्क है हम भी उनसे प्रयास करेंगे, और जो भी आप रणनीति बनाए उसमें अगर आप हमें शामिल करेंगे, हमारी बात सही लगे तो उसे माने, और अगर सही लगती है मानकर उस पर अमल करें, नहीं लगती तो आप छोड़ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन लड़ाई जब तक लड़ना, जब तक आप अपनी लड़ाई जीत ना जाए, और अगर किसी हालत में ये सरकार नहीं करती है तो अभी आपने नारा दिया ना कि सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कहने की क्या जरूरत है, निकम्मी तो है ये सरकार, तो 2019 में इसे बदलना ही है, बिल्कुल हटा उठा कर फेंकना इस सरकार को किसी जी।
अच्छा निकल जाता है, कोई बात नहीं, अजगर भी मारे जाते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारूद आपके पास नहीं तो हम बता देंगे कैसे मारे जाते हैं ये सारे अजगर भी, सब मारे जाते हैं बहन जी। लेकिन सबसे पहले आप अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करके एक मजबूत संगठन अपना बनाइए। आपका मजबूत संगठन होगा ये सारे के सारे आपके सामने घुटने टेक देंगे। अभी बहन जी एक भाषण दे रही थी, वो कह रहे हैं हमारी सरकार, बहन जी कहां है आपकी सरकार, या आपकी सरकार होती तो सुनती, आपकी कहां है, ये तो बहरमों की सरकार है, भैरों की सरकार है, गूंगों की सरकार है, अन्याय और अत्याचार करने वालों की सरकार है, ये तो गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, बछड़े के नाम पे लड़ाने वाली सरकार है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाने वाली सरकार है, जातियों के नाम पे लड़ाने वाली सरकार है, और ये वो सरकार है जिसके राज में जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी संपत्ति 2016 में जो 58% देश की पूरी संपत्ति पर कब्जा था, इस बार 2017 में 73% देश की प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा हो गया। ये तो उनकी सरकार है, इसका मतलब क्या है, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया और अमीर और ज्यादा अमीर हो गया, ये तो उनकी सरकार है। इस सरकार को 2019 में उखाड़ के तो फेंकना ही है, लेकिन इसे टक्कर लेनी है ताकि हमारी बात मानी जाए और हमारा हक हमें मिल सके। आपने मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। जो भी आपका कार्यक्रम होगा, मैंने नंबर दे दिया है, आपको नंबर बोल रहा हूं, लिख लें जिसके पास भी हो। इसके अलावा भी एक वकील के नाते मैं फौजदारी का वकील हूं, मेरी सलाह की जरूरत पड़े आप मुझे फोन कर लेना, जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। मेरा नंबर नोट कर लें, और ये नंबर मैं ऐसे नहीं देके जा रहा जैसे नेता दे जाते हैं, नंबर देते हैं गलत और फिर ढूंढते रहो, मैं ऐसा नहीं देता, मिला के देखेंगे नंबर पे बात होगी। अगर मैं कोर्ट में होऊंगा तब की बात मैं नहीं कह सकता, कोर्ट में हुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोर्ट में नहीं हूं तो आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। नंबर लिख लें बहन जी मेरा, 858, जिसके भी जो भी लिखना चाहें, 858 79 799 47। जिनके पास कार्ड नहीं पहुंचा है मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनके पास कार्ड है मेरे दोनों नंबर हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है 858 79 799 47, ये मेरा नंबर है, पर्सनल मेरा नंबर है। कभी भी कोई बात हो, आपकी इस लड़ाई में जिस तरह की भी जरूरत पड़े, हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरी तरह से आपके साथ में है। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, सबको नमस्कार।